दोस्तों कहाँ हो तुम लोग, जल्दी से इधर आ जाओ, मिलकर गेम खेलते हैं। बहुत ही मजे की गेम। इस गेम में हमें लेमन का जूस पीना पड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम जान? एवनी, तुम भी मेरे क्लब के मेंबर हो। क्या करना है क्लब में? गेम खेलेंगे। जरा देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर फन क्लब गेम्स। मगर मुझे तो पढ़ना नहीं आता। जान, तुम्हें लिखना आता है क्या? नहीं, भाई से कहा था, उन्होंने लिखा, मगर क्लब का नाम मैंने बताया। अच्छा तो गेम खेलें। खेलें क्या एवनी? इंतजार किस बात का है? चलो आ जाओ। जल्दी आएं। जल्दी से क्लब में शामिल हो जाएं। इंतजार किस बात का है? मैं भी मेंबर बनना चाहता हूँ। तुम बन गए मेंबर? इतनी जल्दी से बन भी गया? हाँ? क्या नहीं बन सकते? बन सकता हूँ। तुम भी इधर हमारे साथ आ जाओ। ठीक है, हमारे क्लब को ज्वाइन करें। आ जाएं। चलो आ जाएं। हमें ज्वाइन करें। हाँ, जल्दी आ जाएं। क्या मैं भी आपकी मेंबर बन सकती हूँ? क्यों नहीं, तुम भी बन गई मेंबर। आप लोगों के कोई रूल्स नहीं है यहाँ? रूल्स की जरूरत है क्या? हाँ जरूरत है, हर क्लब के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं। अच्छा तो फिर किस तरह के रूल्स? मसलन, हाँ बताती हूँ, मसलन के इस क्लब को सिर्फ बच्चे ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कहते हो? ठीक है। उसके अलावा और रूल्स? हर सुबह हम एक ही जगह पे मिलेंगे और वो जगह हमारे क्लब का मीटिंग पॉइंट होगा। ये तो अच्छी बात है। अच्छा तो कहाँ मिलेंगे? जाहिर सी बात है, पार्क में। कल सुबह हम वहीं पे मिलेंगे। ठीक है। अच्छा तो फिर एक भी मिनट जाया किए बगैर सुबह मिलते हैं। ठीक है, कोई भी लेट मत होना। अस्सलामुअलैकुम जान, कैसे हो? ठीक वक्त पर आए हो तुम लोग। मैं भी ठीक टाइम पे आ गई हूँ ना। एवनी कहाँ पर है? पता नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं। मैंने कल कहा था टाइम पे पहुंच जाना। आ जाएगा, अभी नाश्ता कर रहा होगा। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, क्लब का रूल है कि किसी ने भी लेट नहीं होना। अब क्या करें फिर? अब नए रूल्स बनाने पड़ेंगे। कैसे रूल्स? क्लब में लेट आने वाले को क्लब से निकाल दिया जाएगा। वो क्यों? क्योंकि उसके बाद सब टाइम पर ही आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम एवनी। एवनी तुम क्लब से निकल चुके हो। मगर क्यों? क्योंकि ये भी क्लब का रूल है। ऐसा तो कोई रूल नहीं था। ये नया रूल है। चलो अब कहीं और जाके खेलो, तुम हमारे क्लब के मेंबर नहीं हो। चलो शुरू करते हैं। सब दोस्त खिलौने लेकर आए, उनके साथ खेलते हैं। ठीक है? ठीक है। ये देखो मेरा फ्लाइंग रोस्टर। मेरे फ्लाइंग रोस्टर वाले विंग्स सबसे बड़े हैं। दोस्तों बात सुनो, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, मेरे पास तो फ्लाइंग रोस्टर है ही नहीं। तो क्या हुआ, तुम मेरे खिलौने से खेल लो? मतलब तुम्हारे पास खेलने के लिए फ्लाइंग रोस्टर नहीं है क्या? मतलब कि एक और रूल बनाना पड़ेगा। ये क्या फिर से रूल? रूल्स तो अच्छे नहीं होते, लेकिन क्लब के लिए रूल्स बनाना जरूरी है। अब न्यू रूल्स क्या है? नया रूल ये है कि जिसके पास फ्लाइंग रोस्टर नहीं है वो यहाँ नहीं रहेगा। मैते के पास तो फ्लाइंग रोस्टर नहीं है। मतलब कि मैते क्लब का मेंबर नहीं बन सकता है। मैं तो क्लब का मेंबर हूं। लेकिन अब नहीं हो। मुझे ये क्लब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसके रूल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। चलो मैते चल कर खेलते हैं। जैसे तुम्हें बेहतर लगे। अब तुम भी हमारे क्लब के मेंबर नहीं रहे तो ना। मैं बनना भी नहीं चाहता इस क्लब का मेंबर। सबको क्लब से तुमने निकाल दिया। अच्छा हुआ, वैसे भी वो क्लब मेंबर बनने के लायक ही नहीं थे। वो क्यों? देखो तो वो रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे थे। मगर मैं भी इन रूल्स को नहीं मानना चाहता। ठीक है, फिर तुम भी इस क्लब के मेंबर नहीं हो अब। मगर इस क्लब को मैंने बनाया है। तो क्या हुआ, हर किसी को रूल्स फॉलो करने ही होंगे। देखो तो मैं हर एक रूल फॉलो कर रही हूँ। मगर रूल्स तुमने ही तो बनाए थे। चलो जाओ, तुम भी कहीं और जाके खेलो, ये क्लब की जगह है, तुम भी यहाँ नहीं रह सकते हो, समझे? हाँ? क्या सोच रहे हो? शुश।
कुछ सोच रहा है, डिस्टर्ब मत करो। आइडिया, क्लब बनेगा। हाँ, लेकिन हमारा क्लब तो है। उस क्लब का क्या होगा? उसे एलिफ के रूल्स ने खराब कर दिया। नए क्लब में ऐसे रूल्स बनेंगे जो सबको पसंद हो। फ्लाइंग रोशर आपको बचाने के लिए उड़ता है। ये मैं पकड़ लूंगा तुम्हें अवनी। मुझे पकड़ो। पकड़ूंगा तुम्हें। पकड़ लो। चलो अब मेरी बारी। कहाँ हो तुम सब? यहाँ पर हूँ। रुको जरा फादी। पकड़ के रहूंगा। मैट? हाँ बोलो। मेरा एक क्लब है, फन प्ले गेम्स क्लब। तुम मेरे क्लब के मेंबर बनना चाहोगे क्या? बहुत मजा आएगा, मिलकर खेलेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी ऑफर है मेरे लिए, मैं जरूर बनना चाहूँगा। वो सब भी क्लब मेंबर है? नहीं, वो मेरे क्लब के मेंबर्स नहीं है। हाँ, तो फिर क्लब मेंबर्स कौन कौन है? वो अभी तो सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ, अगर तुम भी आ जाओगे तो हम दो लोग हो जाएंगे। मैट? हाँ बोलो जान। तुम भी आओ, हम आंग बचोली खेल रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। तुम तो मेरे क्लब के मेंबर थे, कहाँ जा रहे हो? अच्छा दोस्तों, अब चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जान, क्या कर रहे हो तुम लोग? हम खेलकर घर जा रहे हैं। क्लब का कोई मेंबर मिला क्या तुम्हें? नहीं, मैं बस अकेली ही हूँ। अच्छा तो क्यों कोई तुम्हारे क्लब में नहीं आ रहा? पता नहीं। क्योंकि तुम्हारे क्लब में एलिफ बहुत सख्त रूल्स हैं। मगर रूल्स तो जरूरी होते हैं। हमारे क्लब में भी रूल्स हैं, मगर वो आसान है तुमसे। क्या रूल्स हैं मसलन? मसलन कि हम एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, और हम सब अपने खिलौने भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। मैं भी कल कैमरा लेकर आऊँगा, और जब हम क्लब में खेल रहे होंगे तो मैं फोटोज बनाऊंगा। मैं भी तुम लोगों के क्लब में शामिल होना चाहती हूँ, ठीक है? हमारे क्लब में सबसे पहला रूल ये है कि कोई किसी को बाहर नहीं निकालेगा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। मैं क्लब के मेंबर से बात करके तुम्हें बताऊंगा। लेकिन उसे कह दो कि हमारी बात माननी होगी। नहीं, मेरी ख्याल से तो कोई रूल नहीं बनाएगी अपना। चलो कर दो इसको शामिल। ठीक है, उसे कह दो। हाँ कह दो। फैसला कर लिया है हमने। अच्छा तो जल्दी से बताओ, क्या फैसला किया है? अच्छा तो फैसला ये है कि फन क्लब के मेंबर्स ने तुम्हें अपने क्लब में शामिल कर लिया है। हे, सबका शुक्रिया। उस दिन एलिफ भी हमारे क्लब में शामिल हो गई। हम सब फिर इकट्ठे हो गए। स्कूल के फ्रेंड भी इसमें शामिल होना चाहते थे। जान, मुझे भी अपने क्लब में शामिल कर लो। यहाँ तक कि हमारी दादी जान भी फन क्लब की मेंबर बन गई हैं। बाद में क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।